वो काम हुकूमतें नहीं कर सकती। समाज अगर जागरूक हो जाए कि हमारे देश में धार्मिक तनाव नहीं रहेगा, सामाजिक सद्भाव रहेगा, शहर में किसी भी धर्म के गुंडे के लिए किराए का मकान नहीं मिल पाएगा। समाज अगर सजग हो जाए कि आतंकवाद को उखाड़ के फेंक देना है, तो ये 12 घंटे का काम है, इससे बेशी की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज अगर तय कर ले कि हमें अपने देश की बेटियों की सुरक्षा करना है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। सुरक्षा खुद ब खुद हो जाएगा, इसलिए कि जब बेटी चलेगी तो उससे भेषा से, कपड़ा से, लिबास से ये पता कहीं से नहीं चलता है कि किस धर्म की, किस समाज की बेटी। अगर वो बेटियां सड़क पर चले, सीटी बजाने वालों की औकात नहीं सीटी बजा सके। जब किसी भी धर्म की बेटियों को समाज की और देश की बेटी समाज समझना शुरू कर दे तो, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए जब धर्म का इस्तेमाल होने लगे तो मनों में उजाला का दिया नहीं रह जाता है, धर्म देश और समाज को फूंकने का माध्यम बन जाता है। इसलिए आज जो शाने वतन संगठन की तरफ से ये जो सामूहिक सम्मेलन हो रहा है, हमारे आलिम उलमा मदरसों से, मस्जिदों से, जलसों से, इसके खिलाफ रोज आवाज़ बुलंद कर रहे थे, ये मैं शाने वतन तंजीम के, संगठन के और इस पूरे गढ़वा जिला के सभी धर्म के लोगों को मैं इस बात के लिए बधाई दूँ। तो सामूहिक रूप से लोग खड़ा हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ न केवल सिर्फ ये कि मुसलमानों के बीच से, बल्कि सभी जाति धर्म मजहब के लोगों के बीच में बेटियों का ग्राफ बढ़ेगा और बेटा बेचने वालों की दुकान बंद होगी, दामाद खरीदने वाले इलाके से बाहर वापस जाएंगे। सरल, सामूहिक और सहज अंदाज में सारे लोग बेटियों को रक्षण करेंगे, मान सम्मान के साथ बेटियां अपने ससुराल से रहेगी। सर, एक सरकार तंजीमें बनती है लेकिन कभी मुकम्मल नहीं होता, तंजीमें बनती हैं, चैनल चलाने के लिए इंटरव्यू, तंजीमें बनती हैं, बनते रहेंगी। आदमी चलता है, थकता है, रास्ता नहीं थकता, मुसाफिर थकता। इच्छा शक्ति अगर मजबूत